जो लोग अपने आप को असलियत में रक्षक कहते हैं, क्या वो गाय को अपने घर में भी रक्षा देते हैं? आज बहुत अर्ली है, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एडीजी रैंक के ऑफिसर्स, लॉ एंड ऑर्डर की ममता सिंह जी पूरी इस इन्वेस्टिगेशन को देख रही है। आज सुबह तक की जो मेरी संज्ञान में है, 102 FIR हो चुकी है। अनेकों लोगों को रिमांड पर भी और जुडिशियल कस्टडी में भी भेजा गया है। मीडिया, सोशल मीडिया और अलग अलग प्रकार के कम्युनिकेशंस के अंदर जिन जिन लोगों की इन्वॉल्वमेंट हुई है उनको मॉनिटर किया जा रहा है और सख्त से सख्त कार्रवाई। मुझे लगता है हम ही नहीं, सभी लोग चाहते हैं कि उन लोगों के खिलाफ हो जिनने हरियाणा जैसे अमन शांति वाले प्रदेश में इस तरह की घटना को उकसाया। लेकिन सर, सरकार जिस तरीके से ये कहा कि DGP साहब तक को नहीं पता था, इंटेलिजेंस, मैं इसको फैक्चुअली कमेंट नहीं कर पाऊंगा। इस पे बेहतर जवाब तो जिनका नाम लिया गया है वो लोग कर पाएंगे। सिक्योरिटी फेलियर नहीं हुआ था? क्या फेलियर हुआ है, कैसे हुआ है, ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है। मैंने Day 1 पे भी कहा था, आज भी कहता हूँ, चाहे कोई पॉलिटिकल आदमी हो, चाहे कोई सोशल एक्टिविस्ट हो या जो कोई अधिकारी हो, जिसकी कमी या जिसका उकसाना रहा है उन सबको हम दंडित करेंगे और समय पर जैसे जैसे रिपोर्ट्स पुट अप होंगी उसके अनुसार। इसके अलावा भी प्रदेश में नाम सामने आया था, क्या प्रिकॉशनरी एक्शन नहीं लेना चाहिए था? देखिए, पहले लिया हुआ है। राजस्थान सरकार ने 3 बार रेड मारी है, 3 बार हमारे पुलिस के अधिकारी गए हैं। IG रेवाड़ी को भी सेशन के दौरान ही एक इंक्वायरी मार्क कर दी गई थी, उसको भी मॉनिटर किया जा रहा है। और अब भी जहाँ जहाँ किसी का नाम आया है, चाहे वो विधायक हो, कोई नेता हो, कोई सोशल एक्टिविस्ट हो, उन सब के खिलाफ हम सख्त एक्शन। राजस्थान के मुख्यमंत्री ये बोल रहे हैं कि जो हरियाणा सरकार है वो सहयोग नहीं कर रही है, जब भी रेड मारे। चलो, आपके कैमरे हैं, आपकी कलमे हैं। मैं गहलोत साहब को खुला कहता हूँ कि आप पुराने घटनाक्रम, नए घटनाक्रम जॉइंटली अगर ऑपरेशन चाहते हैं, हमारी पुलिस, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ है। आप अपनी टीम डिप्यूट कर दीजिए, चाहे वो रेड हरियाणा में हो, चाहे हरियाणा में क्राइम फैलाने वाले आज राजस्थान में बैठे उनके खिलाफ रेड हो। जब तक दोनों प्रदेश एक दूसरे का खुलकर सहयोग नहीं करेंगे, हमने तो 3 बार किया है जब उनकी टीम आई, ऐसे आरोपियों को जल्दी दबोचा नहीं जाएगा और उनको तुरंत एक्शन के लिए, मुझे लगता है दोनों स्टेट्स को बयानबाजी छोड़कर प्रोएक्टिव होकर एक्शन लेना चाहिए। सर, राहुल जैसे मामलों को लेकर के असामाजिक तत्व फायदा उठाते हैं और माहौल खराब करते हैं, लोगों के लिए क्या संदेश? मैं तो एक चीज आपके और मेरे लिए रख सकता कि ऐसे लोगों को दूर करेंगे सामाजिक तौर पर, तभी जाके अमन शांति रहेगी। उनके लिए मैसेज देने का कोई फायदा नहीं, उन्हें तो माहौल खराब करना है। वो हमारे प्रदेश का नहीं करेंगे, दूसरे का करेंगे, उनकी तो रोजी रोटी चलती है। आज मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि एक पत्रकार साथी ने मेरे को इंडियन एक्सप्रेस के इंटरव्यू में पूछा कि काओ विजिलांते, हिंदी कहते हैं गौ रक्षक, कितनों के घरों में गाय है? आज सबसे बड़ा सवाल तो आप जाके चेक तो करो। जो लोग अपने आप को असलियत में रक्षक कहते हैं, क्या वो गाय को अपने घर में भी रक्षा देते हैं? सामाजिक तौर पे बहुत इजी है सोशल मूवमेंट्स चला के माहौल खराब करना, मगर ये भाईचारा बना के रखना सबसे मुश्किल चीज़ है। और मैं तो आज भी कहता हूँ कि ये हमारी सबकी जिम्मेवारी है, बियॉन्ड पॉलिटिकल लाइंस, बियॉन्ड सोशल लाइंस, कि जिस प्रदेश में 600 साल पुराने इतिहास में भी ऐसी घटना नहीं हुई, जहाँ महात्मा गांधी के आवाम पर पूरा मेवात अटल होकर खड़ा रहा आज़ादी के बाद, आज उसमें किसी ने ऐसी घटना करवाई है तो बहुत उकसाने के बाद हुई है और उन सबके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। छोड़ा किसी को नहीं जाएगा, सबके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।